ये जो आप रेलवे का काम देख रहे हैं, ये खंडवा सनावत ब्रॉडगेज रेल लाइन के तहत खंडवा सिटी में काम किया जा रहा है। और यह जो काम है लाल चौकी से रामेश्वर ब्रिज के बीच का काम मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यह जो काम है दोस्तों LIG कॉलोनी के पीछे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिशों के बाद काम में तेज़ी आई है और नाला निर्माण वगैरह सब हो गया है। और ये सब जो है अब रतलाम मंडल के थ्रू ये काम किया जा रहा है। तो रतलाम मंडल जो है लगभग काम अब कंप्लीट करने की स्थिति में आ गई है। ये रेलवे लाइन जो है ब्रॉडगेज के हिसाब से डाली जा रही है। ये जो ब्रिज बन रहा है ये खंडवा और सनावत के बीच मीटर गेज को ब्रॉडगेज में कन्वर्जन के तहत ही बन रहा है ये ब्रिज। और ये ब्रिज जो है दोस्तों वो रामेश्वर ब्रिज से लाल चौकी जो रेलवे गेट है, इधर लाल चौकी रेलवे गेट है खंडवा में और इधर रामेश्वर ब्रिज है थोड़ी दूर पे, उसके बीच में बन रहा है रामेश्वर रोड में। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी को खंडवा और सनावत के बीच में जो ब्रॉडगेज रेल लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसका अपडेट मैं बहुत दिनों से नहीं दे रहा था, तो उसी का अपडेट लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं अभी गणेश चतुर्थी में जो गणेश जी का पूजा होता है उसमें थोड़ा बिजी था। तो दोस्तों अब मुझे टाइम मिला है तो आज मैं ये अपडेट देने आया हूँ कि जो खंडवा और सनावत के बीच में मीटर गेज रेल लाइन का कन्वर्जन ब्रॉडगेज रेल लाइन में चल रहा है उसका क्या अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों जो काम मैंने आपको बताया था कि खंडवा के लाल चौकी रेलवे गेट तक जो है इलेक्ट्रिक पोल वगैरह लगा दिए गए हैं वो तो सही है, लगे हुए हैं। और जो रेलवे लाइन है वो वहाँ तक डाल दी गई थी, अब आगे भी डाल दिया गया है। अब देख सकते हैं कि ये जो नाला निर्माण का काम वगैरह जो बचा हुआ था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं कि साइड में जो ये कंक्रीट मटेरियल का बनाया जा रहा है ये जो है इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये सब LIG कॉलोनी जो है खंडवा का उसके पीछे काम चल रहा है इसमें। और इधर सामने आप जो लाल कलर का एक ट्रैक्टर खड़े देख रहे होंगे वो ड्रेसिंग मशीन है जो कि लाल चौकी रेलवे गेट के पास खड़ी है। और मैं अब आगे की अपडेट इधर देता हूँ। ये जो है दोस्तों ये यहाँ तक बना दिया गया है और आगे भी गड्ढे कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिक पोल के लिए। तो ये जो काम है रतलाम मंडल के अंतर्गत हो रहा है। तो आइए अब आगे भी अपडेट देता हूँ कि रेलवे लाइन कहाँ तक डाल दी गई। ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों ये स्लीपर जो आप डले देख रहे हैं ये कल डाली गई है और ये रेलवे लाइन भी कल ही सेट की गई है पूरी तरीके से। और ये यहाँ पे रास्ता बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं नाले के ऊपर से। और ये जो आप गिट्टी देख रहे हैं दोस्तों इसी गिट्टी को ट्रैक्टर और बुलडोजर के थ्रू लोड करके यहाँ पे लाकर डाला जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं कितनी संख्या में कितनी मात्रा में यहाँ पे अधिक मात्रा में गिट्टी रखे हुए हैं। ये सब रेलवे का ही है जो कि रेलवे लाइन बनाने में ही यूज होगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा अपडेट। ये आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे भी यहाँ पर भी गड्ढे कर दिए गए हैं दोस्तों। ये जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है लगेगा, इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिसिटी जिससे ट्रेन का इंजन चलेगी उसके लिए ये इलेक्ट्रिक पोल लगाया गया है। तो ये काम जो है दोस्तों तेज़ ही चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये एक तरीके से ये यहाँ तक जैसे गड्ढे कर दिए गए और जब यहाँ पर कंक्रीट मटेरियल से बेस तैयार कर दिया जाएगा तो बेस तैयार करने के बाद क्या है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम होता है वो एक दिन में ये कर लेते हैं। और एक दिन में मतलब कि अब जो है रतलाम मंडल का काम जो है बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है रतलाम मंडल का काम क्योंकि रेलवे लाइन डाल दिया गया है। और ड्रेसिंग मशीन जो है वो भी जो गिट्टी को ड्रेसिंग करती है दोनों तरफ वो भी यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ से अब थोड़ी सी दूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है ये गिट्टी जो है दोस्तों और स्लीपर डाल दिया गया है। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ तक गिट्टी और स्लीपर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डाल दिया गया है। और इधर मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा ये देखिए ये स्लीपर का यहाँ पे जो है
बहुत सारे स्लीपर रखे हुए हैं जिसको ये सीमेंट का, जिसको यहाँ पर बस रख कर और गिट्टी रख कर रेलवे लाइन डाल दी जाएगी दोस्तों। तो अब आगे जो कुछ दूरी है दोस्तों, यहाँ से आधा किलोमीटर आई थिंक, वहाँ तक ही रतलाम मंडल का काम रहेगा, क्योंकि रतलाम मंडल का काम लगभग कंप्लीट हो गया है मैं ये मानूँगा। और वो अब या तो 10 दिन या 15 दिन का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो नाले निर्माण के कारण ही ये रेलवे लाइन डालने का काम अटका हुआ था, लेकिन अब जो है दोस्तों नाला निर्माण भी कर लिया गया है रेलवे के थ्रू। तो अब मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो है ब्रिज का निर्माण चल रहा है, तो आइए दोस्तों अब आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या अपडेट है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज बन रहा है, ये खंडवा और सनावत के बीच मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्जन के तहत ही बन रहा है ये ब्रिज। और ये ब्रिज जो है दोस्तों वो रामेश्वर ब्रिज से लाल चौकी जो रेलवे गेट है, इधर लाल चौकी रेलवे गेट है खंडवा में, और इधर रामेश्वर ब्रिज है थोड़ी दूर पे, उसके बीच में बन रहा है रामेश्वर रोड में। और देख सकते हैं कि इसके पिलर जो है पहले ही बनकर तैयार कर दिया गया था, बनाकर बारिश में ही, और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसको दोनों तरफ लेवल कर दिया गया है, मतलब कि जो रेलवे लाइन डालने के लिए लेवलिंग का काम होता है, और यही ब्रिज तक रतलाम मंडल का काम है, क्योंकि देख सकते हैं कि सामने जो है बोर्ड लगा हुआ है रतलाम मंडल और उधर नांदेड़ डिवीज़न का, तो यहीं तक वो काम होना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इस पर स्लैब रखे जाएंगे इस ब्रिज पर, तो स्लैब जो है आगे बना के रख दिए गए हैं, बस ये काम जो है स्लैब रखने का वो इस जो नाला निर्माण का काम चल रहा है साइड में, इसके कारण रोक रखे हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम, मतलब आज का काम है नाला निर्माण का, वो आज कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद ये स्लैब रख कर जो है रतलाम डिवीज़न जो है अपने जो जहाँ तक उसका एरिया है आगे कुछ दूर तक, वहाँ तक जो है दोस्तों वो रेलवे लाइन डाल देगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पूरा ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है ये, यही वो नाला निर्माण का काम है दोस्तों जो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका अपडेट कि वहाँ तक कर लिया गया है, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये भी मुझे लगता है कि आज कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ से कुछ दूरी तक रेलवे लाइन डाल दिया गया है। अब रेलवे लाइन डालने का काम जो है रतलाम मंडल ये इधर तक जब कंप्लीट कर लेगी, तो फिर वो CRS करवाने की तैयारी करेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो ये सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में जो है रतलाम मंडल जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब उसके बाद दोस्तों भुसावल मंडल की बारी रहेगी, कि जो रामेश्वर ब्रिज और ये जो आप बोर्ड लगा हुआ एक देख रहे हैं पेड़ की साइड से, आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये बोर्ड यही वो बोर्ड है दोस्तों, यहीं तक रतलाम मंडल काम करेगी, और उसके उधर से जो है भुसावल मंडल का काम रहेगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, इसी तरीके का अपडेट आता रहेगा आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।